इंदौर में रामनवमी के दौरान हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश भर में ऐसे कुएं बावड़ी को और चिन्हित करें जिन्हें कवर्ड किया गया है और इनकी सूची बनाए, साथ ही खुले हुए बोरों की भी सूची बनाए जिससे इंदौर जैसी घटना दोबारा ना हो। इंदौर में रामनवमी की पूजा के दौरान हुए भयानक हादसे में 36 लोगों की जान चली गई जिसके कारण हर कोई सदमे में है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इंदौर में हुई हृदय विदारक घटना में निर्दोष लोगों की जान गई है, भविष्य में इंदौर जैसी घटना दोबारा कभी ना हो, इसके लिए प्रदेश के हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियों को चिन्हित किया जाए जिन्हें कवर्ड किया गया है, इनकी गंभीरता से सूची बनाई जाए और साथ ही प्रदेश के खुले हुए बोरों की भी सूची बनाई जाए। परंपरागत और प्राचीन कुएं और बावड़ियां उन पर कब्जा हो गया और कई जगह उनको कवर्ड कर दिया, बिना भरे कवर्ड कर दिया। ऐसी मुझे सूचनाएं मिली है। इंदौर की घटना हम सबको पता है, इंदौर में कितनी हृदय विदारक घटना हुई है, मैं अभी तक उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूं जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियां चिन्हित कर ली जाए जिनको कवर्ड कर दिया गया है। और वो बाद में गिर गई तो इतनी गाने चली गई, 30 साल पहले कभी 30 साल से भी ज्यादा हो गए। तो हर जिले में आप गंभीरता के साथ सूची बना लेके पुराने कुएं बावड़ी कहाँ कहाँ थे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।